Hello everyone, welcome back to Fluenta Institute. I'm Deepak Thray, English trainer. So today I will tell you that how you have to practice, right? So in the previous class we learned that how you have to practice with third person, यानी थर्ड पर्सन के साथ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, राइट? तो ऐसे ही एक बच्चा है जिसको मैंने कल पढ़ाया था, तो वो अच्छा अपने प्रिपेयर करके आया कि भाई कैसे थर्ड पर्सन का हम रूटीन बताएंगे. सो टुडे इन दिस वीडियो यू विल सी दैट हाउ यू विल मेक सेंटेंसेस फॉर थर्ड पर्सन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट? सो इन दिस वीडियो ही विल टेल अस द डेली रूटीन ऑफ हिज मदर एंड आफ्टर दैट अनदर वीडियो ही विल टेल अबाउट हिज फादर्स डेली रूटीन. ओके, तो ऐसे ही आपको भी वर्ब में एस या फिर ई एस लगाते जाना है. इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सेंटेंसेस बनाने की ट्रिक पता चलेगी और साथ साथ आपको पता चलेगा कि कुछ प्रेपोजिशंस जो कुछ रूल्स होंगे जो बच्चा गलत करेगा मैं साथ साथ उनको क्या करता रहूँगा, करेक्ट करूँगा. सो आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सागर एंड आई एम टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. So I am telling you my mother's daily routine. My mother wakes up at 5 o'clock. After that she stays in bed for 10 to 15 minutes. Then she gets at 4:30. पूरा word होता है get up. गेट अप यानी उठ जाना, ठीक है ना? तो शी गेट्स नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? शी गेट्स अप, ठीक है? जितना जो होती है शी गेट्स अप. आफ्टर दैट शी गेट्स अप 4:30 o'clock. देन ही वॉशिज हैंड्स. आफ्टर दैट ही गोज ही आफ्टर दैट शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक. देन शी कम्स बैक होम. After that my mother says morning prayers. एक ही वर्ड होता है ना says, इसको ना उसे says नहीं बोलना चाहिए. इसकी जो right pronunciation होती है says not says. Okay? Says. Yeah. After that my mother takes a bath. Then my mother goes to temple. After that my mother comes back home. Then he washes vegetables. He or she? Then she washes vegetables. After that she cuts vegetables. Then she takes siesta. After that she goes for evening walk. After that she goes morning walk. She goes for morning walk. Then she meets friends. After that my mother comes back home. Then she prepares food. After that she serves food. Then she wears night suit. After that my mother goes to bed. Third person में तुम क्या लगाएंगे? Goes to. So guys, this was the way that how you can tell about your mother, your father, or anybody else that can be like you can tell about anybody. That person will be third person, right? You can tell about your father even, like my father gets up at 5 o'clock and after that he gets ready and after that he goes for morning walk. Then he comes back, he puts on clothes and after getting ready he goes to bus stand, he waits there for bus and he goes to his office. So ये सारी चीज़ें आप बताओगे थर्ड पर्सन के बारे में कि वो क्या क्या करते हैं, राइट? अभी ये बच्चा बोल रहा था, कल इसकी क्लास हुई थी, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कर रहा था, लिटिल बिट, थोड़ा फ्लो नहीं था, लेकिन आपको जो फ्लो है वो कैसे मिलेगा? इफ़ यू वांट टू स्पीक लाइक मी यू विल हैव टू practice a lot, right? Practice makes a man perfect, you know very well. So if you also want to speak fluent English, so what you have to do, you have to speak a lot. It means आपको मैंने टास्क दिया है कि आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है. एक बार दो बार मैंने कह दिया, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे. सो आप तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाओ, कि आप ऐसे इंग्लिश ना बोल पाओ कि हाँ मैं तो इसमें कोई एरर कर ही ना रहा हूँ, मैं मेरे एक वर्ड में बोलने में एक फ़्लो दिखाई दे रहा है, राइट। तो आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, आप एक स्मूथ वे में आप स्पीक कर पाओ। सो यू हैव टू प्रैक्टिस बाय दैट टाइम। गॉट माय पॉइंट? If you are not able to speak once, then do twice, then thrice, four times, five times, six times, right? Keep doing. That is the key to success. I hope कि आपको पता चला है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करो इंग्लिश आएगी। और आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।